क्या चल रही सर? बस बढ़िया भैया, आप कैसे? बस बढ़िया बढ़िया यार। बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ आइडिया दें भैया। कुछ ऐसा है कि बीएड अगर आप पूरे हो गए तो बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर आप अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हो। नया चैप्टर खुला है, लगभग 115 मेंबर है ग्वालियर नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। चलो ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के कई साल बाद भैया कैसा, एक साल हो गया आपको, कैसा रहा आपका? ठीक है यार, मतलब कुछ खास नहीं है, कुछ मतलब ऐसे कुछ मजा नहीं आ रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ रिन्यूअल भी कराऊं कि नहीं कराऊं। अरे भैया मतलब मैं तो जितना जानता हूँ हर किसी को बहुत फायदा होता है, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं यार, मतलब मैं तो ऐसे ही बहुत कैजुअल सब चल रहा है, कुछ मतलब बस जा रहे हैं, बढ़िया नाश्ता पानी करो, मीटिंग करो और आ जाओ। इसलिए पर्पस से बिजनेस के लिए जा रहे हैं भैया, तो बिजनेस तो मिलना चाहिए यार। पता नहीं, मुझे तो कोई ऐसा बहुत बेनिफिट दिख नहीं रहा यार अभी। चलो मैं एक बार अपन बात करते हैं कि अपन प्रैक्टिसेस क्या कर रहे हैं, उसको गड़बड़ है मेरे को लगता है। तो आप मुझे बताओ कि आप मीटिंग में आपका पार्टिसिपेशन कैसा रहता है, आप रेगुलर जाते हो मीटिंग में? जाता हूँ, मतलब उड़ जाता हूँ तो चले जाता हूँ यार, नहीं तो सब्स्टिट्यूट तो नहीं करता। भैया ऐसे कैसे चलेगा, आपको रेगुलर होना पड़ता है मीटिंग में। अच्छा आप वीकली प्रेजेंटेशन के लिए क्या तैयारी करते हो? यार एक दो मतलब बना रखा है स्क्रिप्ट, तो जब मर्जी है वो पढ़ देते हैं, कभी ये वाली पढ़ दी कभी वही वाली पढ़ दी। ऐसे कैसे चलेगा, आपके ऑफिस में मार्केटिंग वाले हैं? है ना, एक दो बंदे हैं। अच्छा आप उनको साथ कितने बार मीटिंग करते हो? हफ्ते में एक हाथ बार मतलब बुला के थोड़ा बात करता हूँ। भैया अगर आपके पास 115 मेंबर है जो आपके लिए मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, तो आपको उनको हर हफ्ते एजुकेट करना चाहिए, अलग तरीके से एजुकेट करना चाहिए, तब आपका अच्छे तरीके से लोग मार्केटिंग कर पाएंगे। अच्छा ये बताओ कि आप स्पेसिफिक टास्क मांगते हो? मांगता हूँ, स्पेसिफिक टास्क मांगता हूँ। जैसे कभी मांग लिया कि यार तुम अपने दोस्तों से मिलवा देना, कोई मोहल्ले वाले से मिलवा देना, किसी से मिलवा देना, मतलब इस तरीके से चलता है। ये कोई मोहल्ले वाले से नहीं मिलाना लेके जाएगा आपको, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि मुझे राहुल से मिलाओ या मुझे श्याम से मिलाओ, तब आपको कोई कनेक्ट करा पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। अच्छा ये बताओ कि आप टीचर प्रेजेंटेशन दिए हो? टीचर प्रेजेंटेशन कहाँ दूंगा यार, इतने लोगों के सामने खड़े होके बोलने में वैसे ही अपनी हालत खराब हो गया। आप अपने आप अंडरएस्टिमेट कर रहे हो, आप रेगुलर अपनी टीचर प्रेजेंटेशन कस्टमर्स को देते हो, और यहाँ पर 115 आपके लोग हैं, आपके लोग हैं जो आपको फीडबैक देंगे कि आपका कैसा रहा, क्या रहा, आपके प्रोडक्ट को समझेंगे, आपको बिजनेस को समझेंगे। जब तक वो नहीं समझेंगे वो शो क्या सिखाएंगे और क्या बताएंगे, आपको यहाँ काम करना पड़ेगा भैया। अच्छा ये बताओ कि आप कितने लोगों के साथ जैल हो चुके हो? यार मीटिंग में जाते हैं तो अपने 4-5 लोग हैं, अपन उन्हीं के साथ मतलब ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वही नाश्ता कर लिए साथ में, वही खड़े होकर बात कर लिए। भैया आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि 115-120 नंबर के बीच में आप रेगुलर मिल रहे हो, और अगर 5-7 लोगों के बीच में ही रहोगे तो वो ही लोग आपको बिजनेस देंगे। आपको यहाँ पर पूरे 115 लोगों के साथ जैन होना चाहिए, ब्रेकफास्ट के लिए आपको हर हफ्ते कुछ नए लोगों के साथ खड़े होकर खाना चाहिए, ये मौके हैं, इनको आप ढूंढना चाहिए आपको। अच्छा ये बताओ कि आप 1-to-1 कितना करते हो? कहाँ 1-to-1 के लिए टाइम है यार, इतने दूर कौन जाएगा, रायपुर में इतनी भीड़ भाड़ है, इतना काम धंधा तो होनी है, कहाँ 1-to-1 के लिए जाऊँगा। भैया 1-to-1 तो सबसे ऐसा एक मॉडल है, एक ऐसा मॉड्यूल है जिससे आप बहुत अच्छे से किसी से कनेक्ट कर सकते हो अपने आप को। आप जितना आप किसी के साथ 1-to-1 करोगे उतना ही आपके साथ वो कनेक्टेड होंगे, और आप जितना कनेक्ट कर पाओगे उतना ही बिजनेस आपको मिल सकता है। अच्छा ये बताओ कि आप मीटिंग में कितने बजे जाते हैं? ठीक है 7:30 का टाइम है तो बस मतलब पहुंच जाते हैं, बस मतलब लेट मार्क ना हो करके कैसे भी। अगर आप मीटिंग के टाइम पे पहुंच जाओगे तो फिर मीटिंग अटेंड कर पाओगे, लोगों के साथ आपका कनेक्शन ही डेवलप नहीं हो पाया। आपको आना चाहिए ओपन नेटवर्किंग के समय 7 बजे के आसपास, आप लोगों के साथ आइए, चाय पे गपशप करिए, लोगों से बात करिए, क्या नया चल रहा है, क्या आपके पास नया है, आप लोगों को उस समय ही बता पाओगे, अदरवाइज आपको समय नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताइए कि आप सोशल इवेंट में पार्टिसिपेट करें कि नहीं करें? नहीं सोशल में तो मैं आज तक किया नहीं करी। देखो आपने जब जब ऐसा एक काम नहीं किया जिससे कि आप लोगों से कनेक्ट कर पाओ तो कोई आपको बिजनेस कैसे देगा भैया, आपको तो लोगों से कनेक्शन बनाना पड़ेगा ना। अच्छा ये बताओ कि डीएनए के जितने टूल्स हैं आपने ट्रेनिंग वगैरह तो अटेंड करते होंगे? ट्रेनिंग में मजा नहीं आता यार, एक जैसी ट्रेनिंग लगती है किया था, लेकिन वही 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 लगता है मेरे को। चाहे कितना ही अच्छा आपके पास कुल्हाड़ी भी ना हो तो हमेशा आपको शार्पन करना है, तभी वो किसी पेड़ को काट पाएगी। वैसे ही हम हैं, अगर हम रेगुलर ट्रेनिंग नहीं अटेंड करेंगे तो हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा और हम अपने आप को और डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो
ट्रेनिंग आपको रेगुलर करना चाहिए। अच्छा, रीजनल कॉन्क्लेव और रीजन की जो इवेंट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेशन है आपका? मीटिंग ही ले दे के पहुँचते हैं यार अपन तो। रीजन आपके लिए इतना अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है 500-600 लोगों के साथ, 700 लोगों के साथ अपने आप को प्रेजेंट करने का, आप उसमें जाओगे नहीं, आप लोगों से मिलोगे नहीं, तो कैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा भैया? आपको जाना चाहिए, वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नए कनेक्शन बनाने को मिलेंगे। अच्छा, INC हुआ था लास्ट ईयर, आपने रजिस्ट्रेशन कराया? नहीं। और इस साल हो रहा है, जाना चाहते हो? खर्चा कौन करेगा समय? आप अपने बिजनेस के लिए खर्चा करते हो, स्टाफ रखते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, सब कुछ करते हो, ये भी तो करना पड़ेगा। आप पूरे इंडिया में, पूरे ग्लोब में अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, अपने बिजनेस को प्रेजेंट कर सकते हो। आप वहाँ जाइए, वहाँ लोगों से मिलिए, कनेक्शन बनाइए, आप ये भी चीज मिस कर रहे हो भैया। अच्छा बताओ, पावर टीम में हो आप? शायद पावर टीम में हो ही, क्या आपको पता नहीं है जो सबसे अच्छी तरीके से आपको बिजनेस दे सकता है, अगर आप उसमें नहीं रहोगे, एक आपकी ग्रुप नहीं होगा जो आपको बिजनेस रेगुलर ला के दे सकता है, कैसे बिजनेस पड़ेगा भैया? आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कि जो आपको रेफरेंस देते हैं, आप उनको कितने समय में आप उनसे बात कर लेते हो जिनसे रेफरेंस मिल जाता है? देते हैं लेकिन कभी याद रहता है तो कॉल कर लेता हूँ, मतलब कुछ बताते हैं कोई तो। भैया आप लोग कोई रेफरेंस दे रहे हैं और आप उसको फॉलोअप नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, तो कैसे आपको बिजनेस में कन्वर्ट होगा? अच्छा, जिससे रेफरेंस मिला आप उसको फीडबैक देते हो कि आपके आपने आपने जो नंबर दिया था उससे बात किया, ऐसा सा हुआ, कुछ बताया कभी आपने? नहीं यार, याद भूल जाता हूँ। या आप अगर उसको फीडबैक भी दोगे कि ये चेंज हुआ है, ये जगह पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर डील रुकी हुई है, इनको थोड़ा सा हेल्प कर दे, तो कैसे हेल्प करेगा? आपका बिजनेस कन्वर्ट नहीं होगा। जहाँ किसी ने आपको रेफरेंस दिया, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, उसको थैंक आपके मन में होना चाहिए कि सब थैंक्स कर सको, आपको आप उसके थैंकफुल रहो। तो अगर आप किसी के रेफरेंस मिलने पर क्विक रिस्पॉन्स नहीं दोगे, फीडबैक नहीं दोगे, ग्रेटिट्यूड नहीं दोगे, तो लोग आपको क्यों देगा? Okay.